लैब की गलत रिपोर्ट के चलते निजी कोविड अस्पताल के बाहर कोरोना पेशेंट धरने पर बैठ गया। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही देहात पुलिस मौके पर पहुंची। मामला छिंदवाड़ा जिले के रानी कोठी स्थित सतपुड़ा कोविड हॉस्पिटल का बताया जा रहा है, जहां बुजुर्ग रमेश साहू पिता मंगलू साहू कोरोना संक्रमण की लंबी बीमारी से जूझकर डिस्चार्ज हो गया, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल प्रबंधन ने बिल थमा दिया। राशि देखकर बुजुर्ग के होश उड़ गए। बुजुर्ग ने ब्लड टेस्ट की गलत रिपोर्ट देने का भी आरोप लगाया। थाना प्रभारी महेंद्र भगत हॉस्पिटल पहुंचे, बुजुर्ग को समझाई देकर मामला शांत कराया। हालांकि धरना प्रदर्शन को लेकर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। छिंदवाड़ा से आशीष मालवीय की रिपोर्ट। 5 बार आस वाले ने ब्लड रिपोर्ट ली, उसकी 5 बार की ब्लड रिपोर्ट गलत आई है। इनको हम समझा रहे हैं, ये उस बात को मान नहीं रहे हैं। हमने वो ब्लड रिपोर्ट को केयर वाले से चेक कराया, उसने बताया 7,500, ये बता रहा 660, इतना अंतर। वो पैसे सब जुड़ रहे हैं। कितना बिल बना हुआ आपका? 6 लाख कुछ कम लिए क्या? 5,55,000 रुपए लिए हैं। क्या नहीं, पैसे तो छुट्टी दे दी हमको, उसमें कुछ नहीं है, मगर नाजायज तरीका है ना। आप धरने में कितनी बैठ गए बाबा? भाई न्याय दे दो मेरे को, मेरे साथ जो देखिए हमको भर्ती की है वहाँ लिखा नहीं है, बोले पीपी आप भर्ती होंगे तो आपसे जो पीपी किट लगेगी उसके पैसे जोड़ेंगे। हमने पीपी किट पहनी थी नहीं, ग्लव्स हमको दिए ही नहीं। अरे ये तो नाजायज तरीके से पैसे जोड़ना। क्या नाम आपका? मेरा नाम रमेश कुमार साहू, सा नाम श्री लंगड़ी साहू, साहू जी जनरल स्टोर, श्याम चाके, सनीचर बाजार, छिंदवाड़ा। कब से भर्ती, कितने दिनों से? मैं यहाँ 21 तारीख से भर्ती हूँ श्रीमान जी। पॉजिटिव थे आप? पॉजिटिव वो भी बहुत लंबी कहानी, कुल 2% पॉजिटिव था, 2% वाला 20 दिन हो गया यहाँ भर्ती है। छिंदवाड़ा की रहने वाले हैं, ये तबीयत इनकी ख़राब रही थी, 21 तारीख को ये भर्ती हुए थे, तो इनकी ये शिकायत ये है कि इनकी तो जो पैथोलॉजी लैब से इनकी यही पास वाले ने जो रिपोर्ट की थी, उस वाली रिपोर्ट में और सिविल में जो उन्होंने रिपोर्ट कराया, दोनों में कंट्राडिक्शन है। दोनों का मापदंड दोनों का अलग अलग है, इनका ये कहना है। और हमसे जो पैसे थे वो उचित दाम से मतलब ज़्यादा वसूले जा रहे हैं, इनका ये कहना किया गया है, इनको समझा दिया गया है कि जो भी कंट्राडिक्शन आप लिखित में दे दीजिए, लिखित में शिकायत दे रहे हैं विथ डॉक्यूमेंट्री के, उसको हम अपने संज्ञान में लेकर उसकी जाँच करते हैं। तरह से क्यों बैठ गए? ये पेशेंट एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत दिन से इनके और इनके बेटे एडमिट थे, इनके बेटे और ये आईसीयू में दोनों पहले एडमिट थे, सॉरी प्राइवेट रूम में। उसके बाद इनकी हालत थोड़ी सी डाउन हुई, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ। फिर इनके बाद जो इनके यंग है, जो बेटे हैं, उनको वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ी, जो पूरे शहर में कहीं अवेलेबल नहीं था। हमने इनके पेशेंट को वेंटिलेटर पे लिया, उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला। उसके बाद हमने बिल में 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी किया, तो हमारी तरफ से सारी चीज़ें क्लियर है। आज उनका डिस्चार्ज है, एक्चुअली कल उनका डिस्चार्ज था, लेकिन उनके घर में कुछ कल हो गया था, शायद कोई रिलेटिव बीमार हो गया था, तो हमने आज कल का दिन उनको रुका है और आज डिस्चार्ज किया। और ना ही हमने कल का बिल, एक मानवता के नाते हमने कल का बिल भी नहीं लगाया, ना ही आज का बिल लगाया। इनको साथ ही साथ हमने 50,000 का डिस्काउंट भी किया और आज डिस्चार्ज है। तो उनको लैब के टेस्ट को लेकर कुछ तो भी कन्फ्यूजन है, तो हमने उसको कन्फर्म करने के लिए रिपीट टेस्ट कराया, लेकिन रिपीट टेस्ट फ्री ऑफ चार्ज कराया, उनसे कोई कॉस्ट नहीं लिया गया। उसमें उसकी जो वैल्यू आई उसमें भी वो सेटिस्फाई नहीं है शायद। अच्छा, ये जो परिजन आरोप लगा रहे हैं अस्पताल प्रबंधन की, 5,60,000 रुपये आप लोगों ने जो ले लिया है उनसे।